नाम पदम सिंह भाटी है, गांव मेरा तापू, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर, राजस्थान के निवासी हूँ। मेरा जन्म तापू गांव में ही हुआ। 8वीं क्लास में मैंने स्कूल छोड़ दी। स्कूल में पढ़ाई का भी खर्चा भी नहीं चल रहा था और घर खर्चा भी नहीं चल रहा था। फिर मैं धीरे धीरे ट्रक लाइन में चला गया। सीखा तब मेरे को थोड़ा बहुत यूँ अनुभव हुआ कि अपन ये ठीक है और 2 रुपये कमा के लाएंगे घर पे। तो मैं धीरे धीरे ड्राइवरिंग करने लग गया। फिर बाद में ये टाटा मोटर्स की रेसिंग का मौका मिला। जब हमारे सेठ ने बोला कि भाई ये रेसिंग है, चेन्नई में आप जाओ और वहाँ भाग लो, तो मेरा दिल और खुश हो गया। मैं गया और भी अच्छा है। पदम सिंह को मैं जन्म से जानता हूँ, या मेरे सामने ये देख पढ़ाई लिखाई की और मेरे सामने ये सीरीज पर लगा। पदम सिंह का नाम रेसिंग आने से गांव में बहुत उत्साह है और गांव बहुत खुशी है। हमारा लड़का जीतन गया, मैंने बहुत खुशी हुई। आगे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़े जाती हमारी खुशी होएगा। जब सर 11 तारीख को हमारे पास फोन आया था चेन्नई से पदम सिंह का, तो पदम सिंह ने बोला कि मैंने 14 आदमियों में जगह बना ली, रेस जीत लिया, तो हमारे को बहुत खुशी हुई, हमारे घर वालों को भी बहुत खुशी हुई और गांव में भी एकदम खुशी की लहर छा गई थी। इसको देख करके पदम सिंह के गांव के बच्चों का हौसला बुलंद हुआ है और भी ये उनको उत्साह है कि हम भी इसी प्रकार आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सब गाँव वाले उनको कहते हैं भाई लगन से और मेहनत से काम करके और फर्स्ट आ करके गांव का भी नाम रोशन कर और देश का भी नाम रोशन कर। हमारा लड़का जीतेगा, हमारी हमारी आशीर्वाद हाथे रहेगा, हमारा दिल खुश होएगा, आगे आगे बढ़िया जाएगा। हम पदम सिंह को ये कह रहे हैं भाई आप नोएडा जाइए, देश जीते, देश जीतने में आपका भी नाम बनेगा, आपके गांव का भी नाम बनेगा, देश का भी नाम बनेगा। ये जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, इन उतार चढ़ावों से मैं न घबराते हुए न कुछ चिंता करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ और आगे ही बढ़ूंगा, जीत हासिल करके ही रहूंगा।